नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं ब्रजेश ओझा। आज बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टर्स की। करीब एक महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ट्रांसपोर्टर्स और सेगमेंट में या ट्रांसपोर्टरों को जो जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर भी हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी ये दिक्कत आ रही है दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों को। आपको बता दें कि एसेंशियल कमोडिटीज़ या फिर आवश्यक सामानों की आपूर्ति के लिए वाहन चालकों के पास एक ई पास होना अनिवार्य होता है। अगर वो ई पास उनके पास नहीं है तो वो गाड़ी लेकर गाड़ी की आवाजाही नहीं कर सकते, यानी गाड़ी को लेकर कहीं आ जा नहीं सकते। इस बीच में लेकिन दिल्ली की एक ट्रांसपोर्ट संस्था ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को एक मेल और पत्र भी भेजा। समस्या ये है कि ई पास प्राप्त करने के लिए जब ऑनलाइन आवेदन किया जाता है तो बहुत से जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। यानी आप जो फॉर्म प्राप्त करने के लिए, ई पास प्राप्त करने के लिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो वो फॉर्म भारी मात्रा में रिजेक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ई पास नहीं ले पा रहे हैं। अब इस संबंध में दिल्ली कुछ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष परमित सिंह ओल्डी ने जो पत्र भेजा उसके मुताबिक ये कहा गया कि भारी मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह से अगर ई पास के लिए अब ट्रक चालक या फिर हेल्पर या फिर मालिक अगर सड़कों पर जाते हैं, ये विभागों के पास जाते हैं, तो लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। इसलिए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और जो भारी मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं उसको कोई उस प्रक्रिया को ठीक करे, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो ऐसा ना हो आने वाले समय में एसेंशियल कमोडिटीज या फिर आवश्यक सामानों की आपूर्ति में बड़ी दिक्कत हो और अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो ये समस्या और बड़ी हो सकती है। इसलिए लॉकडाउन के रहते इस समस्या को सरकार को सुलझा लेना चाहिए। यह पत्र जो दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से भेजा गया है, सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई और एक्शन लेना चाहिए। अभी फिलहाल 3 मई तक लॉकडाउन है। अभी लॉकडाउन बढ़ता है या नहीं बढ़ता वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये जो मुद्दा है इस मुद्दे पर सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और ट्रांसपोर्टर्स को बड़ी राहत देनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या आम जनता से जुड़ी है। जब ई पास नहीं मिलेंगे तो वाहन आ जा नहीं पाएंगे और जब आ जा नहीं सकेंगे तो दुकानों तक, शॉप्स तक या गोदामों तक या फिर मंडियों तक सब्जियां नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि यहां मामला एसेंशियल कमोडिटीज़ का। फिर हाजिर होंगे किसी ने मुद्दे पर। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।